अवा वेलकम टू फरीद अकाडमी दिस इज मोहम्मद अब्दुल अजीम योर मैथ मिनटर तो आज हम देखेंगे बिहेवियर ऑफ़ लाइंस रिप्रेजेंटिंग सामल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम ग्राफिकल मेथड में सीख रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का सॉल्यूशन ग्राफिकली कैसे फाउंड आउट किया जाता है बट जब ग्राफिकल मेथड में हमने अभी तक एक ही चीज़ देखी है कि लाइन्स जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेट कर रही हैं तो लाइन्स क्या हो रही हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ये एक लीनियर इक्वेशन है तो ये एक लीनियर इक्वेशन है और दूसरी एक लीनियर इक्वेशन उसको इंटरसेट कर रही है तो जहाँ पर वो एक दूसरे को इंटरसेट करेंगे वो क्या रहेगा उसका सोल्यूशन तो हम हमने अभी तक ये सीखा है तो लीनियर इक्वेशन की जो लाइन्स uh, uh, जो लाइन ये रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर इक्वेशन को तो इसमें दो टाइप होते हैं एक तो होता है आपका कंसिस्टेंट दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट तो कंसिस्टेंट में क्या होता है कि आपकी ये लाइन जो है एक दूसरे को इंटरसेट करेंगे इंटरसेट करेंगे और सोल्यूशन देंगे तो कंसिस्टेंट में दो टाइप रहेंगे मैं यहाँ पर आपको डिटेल में बता लेता हूँ तो बिहेव सिस्टम ऑफ सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशंस। इसमें दो टाइप रहेंगे आपके पहला रहेगा कंसिस्टेंट सिस्टम दूसरा रहेगा इनकंसिस्टेंट तो कंसिस्टेंट में मैंने अभी बताया कि एक तो कंसिस्टेंट का टाइप रहेगा कि लाइन विल साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट तो इसको कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे कि जिसमें साइमल्टेनियस लीनियर एस एल मतलब यहां पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन लिख लेते हम सैमलटेनियस लीनियर इक्वेश का फुल फॉर्म है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस तो so, इसमें कंसिस्टेंट में सैमलटेनियस लीनियर इक्वेशन में दो साइमिलियस लीनियर इक्वेश पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वो एक दूसरे को इंटरसेट करेंगे किसी एक पॉइंट पर इंटरसेट करेंगे कंसिस्टेंट में और एक टाइप आता है डिपेंडेंट कंसिस्टेंट डिपेंडेंट कंसिस्टेंट डिपेंडेंट कंसिस्टेंट में आपको यहां पर एक लाइन मिलेगी तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू वेरिएबल है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन कोइंसिडेंट रहेगी कोसीडेंट रहेगी मतलब उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी सो तो ये डिपेंडेंट रहेगी सो तो यहाँ पर कंसिस्टेंट में यहाँ पर दो टाइप हो गए कंसिस्टेंट में एक कंसिस्टेंट और दूसरा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट तो कंसिस्टेंट में दोनों लाइन एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेट करेगी और यहाँ पर मिलेगा हमको यूनिक सोल्यूशन सोल्यूशन यू विल गेट यूनिक सोल्यूशन सो दिस इज योर टू लाइन्स ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है दूसरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो ये आपको यूनिक सॉल्यूशन so देगी और यहाँ पर यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका जो जो लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं तो ये सभी पॉइंट उसके सोल्यूशन रहेंगे सो इट विल गिव फाइनइट सोल्यूशन तो ये आपको क्या देगी इनफाइनाइट सोल्यूशन देगी सो दिस दिस सिस्टम विल गिव इनफाइनाइट सोल्यूशंस और तीसरा होता है इन जिसमें कंसिस्टेंट में दो टाइप है पहला है कंसिस्टेंट जनरल जो सादा कंसिस्टेंट है दूसरा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट तो कंसिस्टेंट में यूनिक सोल्यूशन मिलेगा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट में आपको इन्फाइन सोल्यूशन मिलेंगे और लाइन विल कोइनसाइड को इनसाइड को होगा लाइन यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर आएगा ओवरलैप होगा और यहाँ पर जो सिस्टम है सिस्टम में सेकंड टाइप है इनकंसिस्टेंट में इनकंसिस्टेंट में लाइंस विल बी पैरेलल लाइंस क्या रहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल बी पैरेलल दिस टू लाइंस विल बी पैरेलल ये पैरेलल रहेंगे आपके ग्राफ पर तो इस तरह ये आपका जनरल मीन्स मैंने आपको यहाँ पर समरी बता दी है कि हाउ द लाइंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बिहेव इन ग्राफ एक तो वो ग्राफ पर एक दूसरे को एक यूनिक पॉइंट देंगे सोल्यूशन एक दूसरे दु, को एक यूनिक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे क्या फिर पर या फिर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे या फिर पैरल रहेंगे अभी तक हमने जो एक्सरसाइज 1.2 uh, में देखा है तो वो सभी कंसिस्टेंट uh, सिस्टम uh, के इक्वेशन से उसमें हमको एक यूनिक सोल्यूशन मिलता था दोनों लाइन एक दूसरे को से एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते थे बट अब आज हम जो सीखेंगे लेटेस्ट डिस्कस में तो उसमें आपको दिया हुआ है ये इक्वेशन दी हुई है यहाँ पर कि पेज नंबर नाइन पर पेज नंबर नाइन पर ये आपको ये सॉल्व करना है ये दोनों को और ये आपके यहाँ पर सॉल्व करके दिया है ऑलरेडी तो यहाँ पर एक सौ बाई के हमको ये ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं एक सौ बाई के कोऑर्डिनेट मिले हैं ऑर्डर्ड पेयर हमने लिख लिया है तो ऑर्डर्ड पेयर को हम जब इस पर ड्रॉ करेंगे ऑर्डर्ड पेयर को हम जब इस पर ड्रॉ करेंगे तो पहला ऑर्डर्ड पेयर है आपका माइनस टू कामा थ्री माइनस टू कामा थ्री ये हो गया फिर दूसरा है ज़ीरो कामा टू जीरो कामा टू दिस वन एंड थर्ड वन इज़ टू कामा वन टू कामा वन सो so, ये ये क्वेश्चन की ऑर्डर पर है टू कॉमो वन सो आपको ये जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये ऑर्डर पेयर आपको आए कहाँ से यहाँ पर तो सॉल्व किया हुआ है नहीं तो उसके लिए मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन बनाया है यहाँ पर तो ये ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन है इसलिए सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं तो हमने पिछली एक्सरसाइज में ये सब सीखा है तो इस तरह ऑर्डर पर आपके आएंगे माइनस टू कामा थ्री जीरो कामा टू एंड टू कामा वन फॉर दिस इक्वेशन एक्स प्लस टू वाई टू फोर तो इस इक्वेशन के लिए आएंगे और सेकेंड इक्वेशन है आपकी थ्री एक्स प्लस सिक्स वाईल इक्वल्स टू टूएल्व तो इसके लिए ordered उसके लिए आपके ऑर्डर पेयर आ जाएंगे उसके लिए आपके ऑर्डर पेयर आएंगे देख लेते हैं ऑर्डर पेयर क्या आते हैं तो सॉल्व करने पर ऑर्डर पेयर आपको इस तरह मिलेंगे सो so, यहाँ पर है माइनस फोर कामा फोर वन वन कामा वन पॉइंट फाइव एंड एट कामा माइनस टू सो माइनस फोर कामा फोर वन 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 पॉइंट फाइव एंड एट कामो माइनस टू आर द सॉल्यूशंस। तो ये इसके सॉल्यूशंस हो गए तो अब हम इसको प्लॉट करते हैं प्लॉट प्लॉट करने की भी जरूरत है नहीं बट वी विल प्लॉट इट हम इसको प्लॉट करके देखेंगे कि किस तरह ये सोल्यूशन इसका आता है सो so, आपको जब भी ग्राफ पर हाथ में आए आपको एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करने हैं और नंबर्स शो करने हैं नंबर लाइन पर एक्स और वाई नंबर लाइन पर शो करने हैं नंबर्स और ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पर एक्स प्लस टू वाई इक्व टू फोर थ्री एक्स प्लस सिक्स टू तो एक्स प्लस टू वाई इक्व टू फोर के ऑर्डर्ड पेयर हमको मिले हैं माइनस टू कामा थ्री जीरो टू एंड टू कामा वन सो माइनस टू थ्री को हम प्लॉट करेंगे पहले माइनस टू पॉइंट थ्री को प्लॉट करने से पहले हम जो भी जिस इक्वेशन के हम ड्रॉ करने वाले हैं वो ऑर्डर्ड पेयर उसको वो लिख लेंगे पहले इक्वेशन को सो so, इक्वेशन है हमारी सो दिस इज एक्स प्लस टू वाई यहाँ पर है एक्स प्लस टू वाई इक्व टू फोर इसके ऑर्डर्ड पेयर हमको यहाँ पर बुक में दिए हुए हैं और हमने भी फाइंड आउट किए हैं सो ऑर्डर्ड पेयर है सो दिस आर द दर्डर्ड पेयर सो ऑर्डर्ड पेयर है माइनस टू कामा थ्री सेकेंड इज ज़ीरो कामा टू एंड थर्ड इज़ टू कामा वन तीन ऑर्डर पेड़ ही दिया है तो हम तीनों भी प्लॉट करें तीन ही प्लॉट करेंगे सब पहले माइनस टू कॉमा थ्री को प्लॉट कर लेते हैं माइनस टू कॉमा एक्स एक्सिस माइनस टू एंड वाई एक्सिस थ्री दिस इज फर्स्ट ये टू कॉमा थ्री हो गया आपका एंड सेकेंड वन इज जीरो कॉमा टू सो ज़ीरो कामो टू तो जीरो टू कामो टू आएगा जीरो एक्स एक्सिस वाई दिस टू दिस इज जीरो कॉमा टू एंड थर्ड वन इज टू कामा वन दिस टू एंड वन दिस वन दिस वन सो अब हम ये देखेंगे कि एक ही लाइन पे आ रहे हैं क्या ज्वाइन yes, so, कर, कर लेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सो दिस दिस इक्वेशन दिस लाइन विल रिप्रेजेंट आवेशन तो ये लाइन कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी ये रिप्रेजेंट करेगी एक्स प्लस टू वाई इक्वल्स टू फोर एक्स प्लस टू वाई मैं नीचे लिख लेता हूँ एक्स प्लस टू वाई इक्व टू फोर तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगी अब हम देखेंगे सेकेंड इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन क्या कहती है आपकी सेकेंड इक्वेशन है आपकी यहाँ परस प्लस सिक्स वाई इक्व टू ट्वेल्व थ्री एक्स प्लस सिक्स टू बुक में भी देख लीजिए आप सो थ्री एक्स प्लस टू वाईक्वल टू सिक्स थ्री एक्स प्लस सिक्स वाईस टू ट्वेल्व तो अब हम उसको ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं तो सिक्स थ्री एक्स प्लस सिक्स वाईक्वल्स टू ट्वेल्व के ऑर्डर पेयर हमको बुक में दिए हुए हैं कि वो है माइनस फोर कॉमा फोर वन कॉमा माइनस फोर कॉमा फोर सेकेंड है वन कॉमा वन पॉइंट फाइव वन पॉइंट फाइव एंड थर्ड वन इज एट कॉमा माइनस टू इसको प्लॉट करें हम माइनस फोर कॉमा फोर को तो माइनस फोर कामा फोर दिस माइनस फोर एंड दिज फोर दिस इज माइनस फोर कॉमा फोर

लाइन so, सर को एक दूसरे के ऊपर आ रही है लाइन तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमसे पूछा है कि पहले तो प्लॉट करने के लिए बोला हमने प्लॉट किया है तो ये ब्लू ब्लू है तो यहाँ पर लिख लें तो हमें ब्लू जो लाइन है, है वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू फोर और जो रेड लाइन है वो इसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी कि थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई इक्व टू ट्वेल्व बट बोथ लाइन्स आर ओनली वन लाइन एक ही लाइन है दोनों भी तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछा है इसी क्वेश्चन इसी पे हमको कुछ क्वेश्चन पूछा है आर द ग्राफ्स ऑफ द बोथ पर देखिए आर द ग्राफ बोथ द सो हमारा आंसर है सेम क्योंकि ये दोनों ये दोनों इक्वेशन सेमस इक्वेशन का ग्राफ सेम ही है एक ही लाइन है सेम सो वॉट आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस तो यहाँ पर जितनी भी पॉइंट्स हमने लोकेट किए हैं ऑर्डर्ड पेयर वो यहाँ पर उसके सॉल्यूशंस हैं ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर सॉल्यूशंस है तो ऑर्डर्ड पेयर है आपके माइनस टू कामा थ्री जीरो कामा टू टू कामा वन माइनस फोर फोर वन वन पॉइंट फाइव माइनस इट का वो माइनस टू और इस लाइन पर जितने भी जितने भी पॉइंट आएंगे जितने भी पॉइंट आएंगे और हम वी नो दैट और हमको पता है लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स और वहां पे इंफानाइट पॉइंट्स होते, है, होते हैं लाइन पर तो सो व्हाट आर सॉल्यूशंस तो हमको जितने सोल्यूशन हमको पता है हम उतने लिख लेते हैं तो हमको सोल्यूशन पता है इतने दिस सोल्यूशन वी नो दिस इज माइनस टू कॉमा थ्री माइनस टू कामा थ्री जीरो कॉमा टू टू कामा वन माइनस फोर कामा फोर वन कामा वन पॉइंट फाइव एंड एट कामा माइनस टू सो दिस एट ऑर्डर सिक्स ऑर्डर पेयर नो हमको ये इतने ऑर्डर पेयर हमको पता है और इससे भी मीन्स हमको इतने पता है हमने ये फाइंड आउट किया है ऑर्डर पेयर बट यहां पर लाइन पर इंफानाइट पॉइंट्स होते हैं पॉइंट्स होते हैं तो जितने भी पॉइंट्स रहेंगे ऑल पॉइंट्स विल शो सॉल्यूशन, सो so, यहाँ पर ये फोर कॉमा जीरो भी सॉल्यूशन हो गया उसका यहाँ पर हम ग्राफ के ऊपर पे देख लेते हैं हमारे ग्राफ पेपर देख लेते हैं दिस फोर कॉमा फोर कॉमा जीरो फोर कॉमा जीरो इज आल्सो सॉल्यूशन, दिस सिक्स कॉमा माइनस वन इज आल्सो सॉल्यूशन, ये भी उसका सोल्यूशन है सोल्यूशन है सो इस तरह इन्फाइनाइट पॉइंट रहेंगे जो उसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम लिख लेते हैं क्वेश्चन को कि दिस व्हाट आर द तो सॉल्यूशंस आर इन्फानाइट क्योंकि वहां पर एक दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो रही है तो इसका मतलब है कि वहां पर कोइंसाइड हो रही है तो एक्सटेंड करने पर दोनों लाइन पर इन्फानाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे और सभी के सभी सोल्यूशन रहेंगे तो हाउ मेनी सोल्यूशंस आर पॉसिबल सो इनफानाइट सोल्यूशन आर पॉसिबल सोल्यूशंस इंफाइनाइट रहेंगे इसको हम ये कौन से टाइप का हो गया डिपेंडेंट कंसिस्टेंट की डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सिस्टम है ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेसन इन टू वेरिएबल डिपेंडेंट सिस्टम डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का टाइप है ये अब हम देखेंगे व्हाट आर द रिलेशन बिटवीन द कोफिशियंट ऑफ एक्स कोफिशियंट ऑफ वाई एंड द कांस्टेंट टर्म इन बोथ द इक्वेशंस तो यहां पर आप कोफिशियंट चेक कीजिए आपके एक्स को का कोफिशियंट वन है टू का वाई और कॉन्स्टेंट टर्म फोर है यहाँ पर तो हम इसके कोफिशेंट लिख लेते हैं सो लेट ए वन इज इक्वल्स टू वन बी वन इज इक्वल्स टू टू एंड सी वन इज इक्वल टू फोर अब दूसरी इक्वेशन है हमारी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल उसके हम तो लेट करने की जरूरत नहीं ये है ये ऑलरेडी है यहाँ पर तो सेकेंड है यहाँ पर ए टू ए टू की वैल्यू यहाँ पर है थ्री बी टू सिक्स एंड सी टू सो हमको पूछा है व्हाट इज द रिलेशन हम अभी उसको डिवाइड करके देखते हैं ए वन डिवाइडेड बाई ए टू बी वन डिवाइडेड बाई बी टू एंड सी वन डिवाइडेड बाई मिलेगा ये ए वन बाय ए टू करेंगे तो मिलेगा वन बाय थ्री बी वन बाय बी टू करेंगे तो मिलेगा टू बाय सिक्स टू वन ज़रा टू थ्री ज़रा सो अगेन वन बाय थ्री सो बी वन की भी वैल्यू बी वन बाय बी टू की भी वैल्यू क्या आई है हमारे पास वन बाय थ्री एंड लास्ट सी वन बाय सी टू तो हम देखेंगे अब सी वन बाय सी टू सी वन बाय सी टू तो सी वन बाय सी टू की वैल्यू आ रही है हमको फोर बाय ट्वेल्व तो फोर वन 4 थ्री सो वन बाय थ्री तो सी वन बाय सी टू इज ऑल्सो वन बाय थ्री सो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होते हैं तो फिर उसमें वहाँ पर उनके कोफ़िशंट ए वन बाय ए टू इज इक्वल्स बी वन बाय बी टू एंड बी वन बाय बी टू इज टू सी वन बाय सी टू तो यहाँ पर ये रिलेशन हमको मिलेगा सो so, जब भी कोफिशेंट रेशो इक्वल रहेंगे देन लाइन्स डेफिनेटली लाइन्स विल कोइंसाइड ऑन ईच अदर लाइन एक दूसरे के को ऊपर कोइंसाइड होंगे तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल जो आपको दिया हुआ था वो हमने सॉल्व किया है यहाँ पर ये सॉल्व हो चुका है सो वाट वाट आर वाट आखिरी क्वेश्चन इसका रह चुका है वाट व्हाट कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ वेन टू इक्वेशन बट ग्राफ इज ओनली वन लाइन तो हमको ये कंक्लूजन मिलता है कि अगर एक ही लाइन रहेगी वाट कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ वेन टू इक्वेश गिवन बट ग्राफ इज ओनली वन लाइन देन वी कैन कंक्लू वी कैन कंक्लूड दैट सोल्यूशंस आर इन्फाइट तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं के सोल्यूशन इंफानाइट है और वो सिस्टम क्या है डिपेंडेंट डिपेंडेंट कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड एग्जाम्पल जो हमको पेज नंबर टेन पर दिया हुआ है दिस इज योर पेज नंबर टेन एंड दिस गवन हेयर तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन एक्स माइनस टू वाईल्स टू फोर एंड टू एक्स माइनस फोर वाई टू एव ट्व ऑन द सेम कॉर्डिनेट प्लेन यानी एक ही ग्राफ पेपर पर हमको ये दोनों लाइन रिप्रेजेंट करना है एंड ऑब्जर्व इट थिंक ऑफ द रिलेशन बिटवीन द कोफिशियट ऑफ एक्स कोफिशियंट ऑफ वाई एंड द कॉन्सटेंट टर्म एंड ड्रा एंड ड्रॉ द इन्फ्रेंस तो और उसको हमको ड्रॉ करना है तो अब हम देखते हैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे हम तो पहले मैं आपको आपके इक्वेशन की तरफ लेके आता हूँ तो ये आपका क्वेश्चन है तो यहाँ पर दो इक्वेशन दिए हुए हैं एक्स माइनस टू वाई टू फोर एंड फो टू एक्स माइनस फोर वाई टू ट्वेल्व तो पहले मैंने उसको एक्स के फॉर्म में लिख लिया है और मैंने यहाँ पर एक्स के फॉर्म में लिख लिया है और यहाँ पर वाई की वैल्यू लेट की है वाई इक्स टू जीरो वाई इक्स टू वन वाई टू वाई टू टू एंड वाई इक्स टू थ्री मैंने यहाँ पर लेट किए हैं तो अब हम देखते हैं वाई इक्स टू जीरो के लिए ये क्या आता है एक्स एक्स क्या आता है फोर प्लस टू इंटू ज़ीरो सो एक्स इक्स टू फोर प्लस ज़ीरो एक्स इक्ल्स टू फोर प्लस ज़ीरो एक्स इक्स टू फोर तो वाई इक्वल टू जीरो के लिए एक्स की वैल्यू आ रही है फोर फोर कॉमन जीरो इज द ऑर्डर पेयर हम देखेंगे सेकेंड लेट वाई इक्व टू वन एक्स इक्व टू फोर प्लस टू इंटू वन सो एक्स इक्स टू फोर प्लस टू इंटू टू वन टू सो एक्स इक्व टू सिक्स सो वाईक्वस टू वन के लिए एक्स की वैल्यू सिक्स आ रही है अब यहाँ पर देखेंगे वाईक्वल टू टू के लिए एक्स इक्वल्स टू फोर प्लस टू इन टू एक्स इक्वल्स टू फोर प्लस टू टू जा फोर सो एक्स इक्वल्स टू फोर प्लस फोर एट सो एक्स इक्वल्स टू टू के वाई कोस टू टू के लिए एक्स की वैल्यू एट ऑर्डर पेर इज एट कॉम टू ऑर्डर पेर इज सिक्स कॉम वन लास्ट वन इज वाईक्स टू थ्री सो एक्स इक्व टू फोर प्लस टू थ्री सो एक्स इक्वल्स टू फोर प्लस फोर प्लस टू थ्री जिक्स एक्स इक्वल्स टू फोर प्लस सिक्स टेन सो वाई इक्व टू थ्री के लिए एक्सलू टेन सो वाईस एक्स टेन वाई थ्री तो दिस फोर ऑर्डर्ड पेयर हमको यहाँ पर मिल चुके हैं गॉट फोर ऑर्डर्ड पेयर हियर तो अब सेकेंड इक्वेशन के लिए देखेंगे टू एक्स माइनस फोर वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व सो टू एक्स माइनस फोर वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व यहाँ पर इक्वेशन को मैंने एक्स फॉर्म में लिखा है एक्स इक्ल्स टू ट्वेल्व प्लस फोर वाई माइनस फोर यहाँ प्लस हो जाएगा प्लस फोर बाय यहाँ पर टू कोफिशेंट डिवीजन में जाएगा टू हो जाएगा ये एक्स इक्वल्स टू ट्वेल्व प्लस फोर वाई डिवाइडेड बाय टू तो अब हम देखेंगे ऑर्डर पेर लेट मैंने कंसीडर किया है लेट इक्वल्स टू जीरो वाईक्स टू वन वाईक्स टू टू एंड वाईस टू माइनस वन तो वाई इक्वल्स टू जीरो के लिए देखेंगे एक्स इक्वल टू ट्व प्लस फोर इन जीरो डिवाइडेड बाई टू एक्स टू ट्वेल्व प्लस जीरो डिवाइडेड बाई टू सो ट्वेल्व डिड टू 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 सिक्स है So, x एक्स इक्व टू सिक्स बाय एंड सिक्स बाय वन इज नथिंग बट सिक्स सो वाईल टू जीरो के लिए x की वैल्यू सिक्स रही ऑर्डर पर सिक्स को ज़ीरो अब लेट y इक्व टू वन के लिए देखेंगे x की वैल्यू सो ट फोर वन जा डिवाइड बाई टू एक्स इक्व टू ट्वेल्व प्लस फोर डिवाइडड बाई डिवाइडेड बाई टू टू वन जा टू एट जा सो x इक्व टू एट बाय इज एट सो x की वैल्यू हमको मिली है एट तो वाई टू वन के लिए एट की एक्स की वैल्यू एट सो ऑर्डर पेयर इज एट कॉमा वन लेट वाई इक्व टू टू सो एक्स इक्वल्स टू ट्वेल्व प्लस फोर इंटू टू डिवाइडेड बाई टू एक्स इक्व टू ट्वेल्व प्लस फोर टू जट एट डिवाइडेड बाय टू सो ये हो गया ट्वेंटी डिवाइडेड टू वन जू टेन जै सो एक्स इक्वल्स टू टेन बाय वन टेन बाय वन इज नथिंग बट टेन तो एक्स की वैल्यू हमको मिली है टेन वाई इक्वल टू टू के लिए तो ऑर्डर पेयर टेन कॉमा तो लास्ट हमारा वेरिएबल वाई वेरिएबल को हमने कंसिडर किया है माइनस वन तो इसके लिए एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे ट्वेल्व प्लस फोर इंटू माइनस वन डिवाइडेड बाई टू सो एक्स इक्वल्स टू ट्वेल्व प्लस फोर माइनस वन जो माइनस फोर प्लस ये माइनस फोर ये ऐसे आएगा डिवाइडेड बाई टू एक्स इक्वल्स टू ट्वेल्व प्लस माइनस माइनस फोर डिवाइडेड बाई टू ट्वेल्व माइनस फोर एट एट बाई टू टू वन जो टू फोर जो तो फोर बाय वन एक्स की वैल्यू आ गई फोर तो वाई इक्वल टू माइनस वन के लिए एक्स फोर आएगा तो यहाँ पर लिख लेते हैं ऑर्डर पर फोर कॉमा माइनस वन तो अब हमारे पास दोनों इक्वेशन के ऑर्डर पेयर हमको मिल चुके हैं ये टू एक्स माइनस फोर वाई इक्वल टू ट्व के लिए दीज आर द फोर ऑर्डर्ड पेयर एंड एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू फोर के लिए दीज आर द फोर ऑर्डर्ड पेयर सब हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पर और देखेंगे कि लाइन इसका हाउ द लीनियर इक्वेशंस ऑफ लाइन बिहेव ऑन ग्राफ पेपर तो पहली इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर पहले ग्राफ पेपर पर आपको एक्स और एक्सिस ड्रॉ करने हैं स्केल लेना है टेक स्केल स्केल ऑन बोथ एक्सिस वन सेंटीमीटर इक्वल टू वन यूनिट देन राइट द इक्वेशन सो इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्स माइनस टू वाई इक्व टू फोर इसके ऑर्डर्ड पेयर हमको मिले हैं एक्स माइनस टू वाई इक्व टू फोर के ऑर्डर्ड पेयर मिले हैं फोर 4.0, जीरो फोर कॉमा जीरो सिक्स one वन एंड एट कामा टू एंड लास्ट वन इज टेन थ्री टेन थ्री तो इसको प्लॉट करते हैं वन बाय वन सो फोर कॉमे जीरो दिस फोर एक्स एक्सेस बाय जीरो दिस सो दिस इज फोर कॉमा जीरो ना सेकेंड इज सिक्स कॉमा वन दिस सिक्स एंड वन तो मैं यहाँ पर इसको लिख लेता हूँ साइड में दिस फोर कॉमा जीरो नौ सिक्स कॉमा वन दिस वन दिस इज सिक्स कॉमा वन दिस पॉइंट नौ नेक्स्ट इज एट कॉमा टू दिस एट एंड टू दिस इज एट कॉमा टू एंड लास्ट वन इज टेन कॉमा थ्री सो दिस एक्सिस यहाँ पर यह टेन आएगा टेन कॉमा थ्री दिस विल रिप्रेजेंट टेन कॉमा थ्री यहाँ पर ये टेन रहेगा तो टेन कॉमा से ना विल ज्वाइन ऑल दिस लाइंस अब हम चारों आर कमिंग ऑन सेम लाइन यस दे आर कमिंग ऑन द सेम लाइन मीन्स आवर ऑर्डर पेयर्स आर राइट सो दिस विल शो विच इक्वेशन दिस लाइन विल शो विच इक्वेशन इट विक्स माइनस टू वाईस टू फोर अब हम करेंगे सेकेंड लाइन के ऑर्डर्ड पेयर हम प्लॉट करेंगे तो सेकेंड लाइन हमारे पास है दिस इज़ द सेकेंड लाइन ये हमारी सेकेंड लाइन थी 2x एक्स माइनस ये सेकेंड लाइन है हमारी 2x एक्स माइनस फोर वाईस टू ट्वेल्व उसके ऑर्डर पेयर हमारे पास है लेता हूँ मैं ऑर्डर पेयर सेकेंड लाइन के ऑर्डर सेकेंड लाइन है 2x एक्स माइनस फोर वाई इक्वल्स टू ट्वेल्व उसके ऑर्डर पेयर है सिक्स कॉमा ज़ीरो कॉमा एट कॉमा वन थर्ड इज टेन कॉमा टू एंड फाइनल इज फोर कॉमा माइनस वन ये ऑर्डर पेयर है तो मैं अब इसको प्लॉट कर लेता हूँ सिक्स कॉमा ज़ीरो दिस सिक्स कॉमा ज़ीरो दिस वन सिक्स कॉमा ज़ीरो

10 comma 2 now last one is uh, 4 comma minus 1 4 comma minus 1 is this one so this equation could be per 2x minus 4y x minus 2y so, x minus 2y equals to 4 this equation equation of this blue line now here 4 comma minus 1 now i will join these, all these points तो देखें एक ही लाइन पर आते हैं गए दे आर कमिंग ऑन द सेम लाइन एंड इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली देन यू विल ऑब्जर्व दैट यू विल गेट दैट दीज टू लाइन्स आर पैरल सो दीस टू लाइन्स आर पैरल ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं सो so, सो so, ये इनकन्सिस्टेंट टाइप का सोल्यूशन है सो so, सिस्टम ऑफ़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल विच सिस्टम है ये इज इनकन्सिस्टेंट इनकन्सिस्टेंट है सो आंसर में लिखना है आपको देर इज नो कॉमन सोल्यूशन क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं और इसके अलावा हमको बुक में पूछा है कि ग्राफ तो ड्रा कर लिया हमने और थिंक ऑफ द रिलेशन बिटवीन द कोविशेंट ऑफ एक्स कोविशेंट ऑफ वाई एंड द कांस्टेंट टर्म एंड ड्रॉ तो किया ही है हमने तो रिलेशन हम देखेंगे अब किसका रिलेशन क्या था ये ग्राफ है तो ये इनकन्सिस्टेंट टाइप है ये इस तरह कब आएगा वो, वो हम चेक करेंगे तो इस तरह हमको कब मिलेगा रिलेशन ऑफ़ द कोफिशेंट ऑफ एक्स एंड वाई तो यहाँ पर ए वन दिस इज़ फर्स्ट लीनियर इक्वेशन टू वे ए वन इज़ वन कोफिशेंट वन है बी वन इज़ माइनस टू एंड सी वन इज़ फोर ए टू दिस ए टू ए टू इज़ टू एंड बी टू बी टू इज माइनस फोर एंड सी टू इज़ ट्व अब हम रिलेशन देखेंगे तो हम डिवाइड करेंगे ए वन बाई ए टू ए वन बाय ए टू वन बाय टू बी वन बाय बी टू माइनस टू बाय माइनस फोर माइनस माइनस कैंसिल टू वन जा टू टू जा सो वन बाय टू सो बी टू की वैल्यू आ गई हमको बी वन बाय बी टू इज इक्वल टू वन बाय टू और सी वन बाय सी टू देखेंगे सी वन बाय सी टू इजिक्वल्स टू फोर बाय ट्वेल्व फोर वन जॉ फोर थ्री सा सो वन बाय थ्री तो सी वन बाय सी टू इज इक्वस टू वन बाय थ्री तो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे तो हम गवर्नमेंट इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली सो ए वन बाय ए टू इज इक्वल्स टू बी वन बाय बी टू बट इट इज़ नॉट इक्वल्स टू सी वन बाय सी टू तो इस तरह की जब कंडीशन आएगी ए वन बाय ए टू इज इक्वल्स टू बी वन बाय बी टू बट इट इज नॉट इक्वल्स टू सी वन बाय सी टू देन इफ दिस इज द रिलेशन बिटवीन coefficients and constant then lines are parallel and system of linear equation in two variable is inconsistent. The system inconsistent or uh, lines parallel and there there is no common solution और वहाँ पर common solution नहीं आएगा। so इस तरह आपका ये graphical method के तीनों type complete हो चुके हैं तीनों type case से मेरा मकसद है बोलना मेरा what I want to tell three types means two consistent one second I will draw यर ओनली सो सस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन टू टाइप्स आर दे आर कंसिस्टेंट इनकसिस्टेंट कंसिस्टेंट में आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा एक कोई एक्स कॉमो वाई का ऑर्डर्ड पेय मिलेगा वो यूनिक रहेगा और यहाँ पर इंफाइनाइट सोल्यूशंस रहेंगे मीन्स देर आर मेनी सोल्यूशन एक्स वन कामो वाई वन एक्स टू कामो वाई टू सो एंड सो ऑन मेनी सोल्यूशन इन्फाइन सोल्यूशन इनकन्सिस्टेंट ये कंसिस्टेंट के दो टाइप है एक में यूनिक सोल्यूशन मिलेगा एक में इन्फाइनइट सोल्यूशन मिलेगा और इनकन्सिस्टेंट में नो no कॉमन solution. सो so, इस तरह यहाँ पर आपका ग्राफिकल मेथड ख़त्म होता है सो प्लीज़ सब्सक्राइब channel चैनल टू लर्न in इन डिटेल शेयर video वीडियो लिंक्स विद योर फ्रेंड्स your योर क्लासमेट्स your, your knowledge, increase योर फ्रेंड्स नॉलेज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और इस तरह हमारा यहाँ पर वीडियो सेशन ख़त्म होता है वीडियो लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्रैमर रूल डिटर्मिनेंट मेथड सो so, सी यू बाय बाय